दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ अगस्त्य मुनि की साइड, अगस्त्य मुनि मतलब मार्केट जा रहा हूँ मैं। तो कल बारिश आई है, अभी धूप लगी है बिल्कुल बढ़िया से। तो धूप पे आके अभी मैं घर से आया हूँ, तो जैसे ही धूप पे आया तो मस्त गर्मी सी लग रही है, मज़ा आ रहा है इस वाली गर्मी में। इसको कहते हैं गुनगुनी धूप। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, और कल रात हल्की सी बारिश आई, ठंडा इतना हो रहा है कि सीधे बर्फ़ गिर गई है। ये अभी के नज़ारे हैं यहाँ के, और सामने पहाड़ों में बर्फ़ गिर गई सीधे ठंड के कारण, एक ही ठंड के कारण। और ये देखो सामने पे हिमालय। दोस्तों ये हमारे गांव की रोड जिसका हो रहा है डामरीकरण, यहाँ लगे हैं काम में आजकल। सामने पे कुछ बच्चे स्कूल जाते हुए। काफ़ी दिनों बाद आज मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, तो आज का ब्लॉग हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसी के साथ हम आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का चैनल पे एक बारी फिर से स्वागत है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने लोकल मार्केट अगस्त्य मुनि। जंगल में फ्यूली हो रखी है बहुत सुंदर, मतलब पूरा जंगल पीला पीला सा हो रखा है। फ़ोन में उतना नहीं दिखाई दे रहा, ये पूरी फ्यूली हो रखी है यहाँ। मुझे इन पहाड़ों इन पत्थरों के बीच में दिखा है ये, आपके यहाँ इसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको कहते हैं सोले का कांडा। एक जीव होता है, जंगली जीव जो फसल खा जाता है, उसके होते हैं ये बाल। ये उसको सेफ्टी के लिए होते हैं। देखो रहा होगा ये कहीं जा रहा है इस रास्ते से इन जंगलों में, तो ये दिखा है मुझे। नेचर की एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मिली है। देखो होली से पहले प्रकृति ऐसे रंग बिखेरती है जो इसके अंदर कलर होता है। अब पूरे उत्तराखंड में ऐसे कलर उड़ने लगते हैं, और ये तो हमारी प्रकृति प्रेम है। और अगर इसको साइंस की दृष्टि से देखें तो ये होते हैं परागकण। तो चलो हमें ये भी दिख गया, बहुत सुंदर लगता है अब जब हवा आती है और पूरे पहाड़ों में पीला पूरा पीला दिखाई देता है जब। डब्बू 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 नहीं डब्बू, कपड़े ख़राब कर दिए डब्बू तूने। मैं मार्केट से आने के बाद घर में सो गया था, काफ़ी थकान लग गई थी। तो आजकल जो मेरा शेड्यूल भी है वो थोड़ा बिजी हो रखा है, तो इस वजह से मैं वीडियो भी थोड़ा कम बना रहा हूँ। अगर आपको भी खुद लग रही है गाँव की या फिर वीडियोज़ की, तो मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो आपको प्लीज़ चैनल को शेयर कर देना है, जो वीडियो होती है शेयर करनी है, ताकि अगर और लोग हैं जिनको भी घर की याद आ रही होगी, वो लोग भी थोड़ा कुछ ऐसी वीडियो देख के उनको भी मन को शांति होगी। हमारे गाँव में आजकल या फिर गाँव का सीजन में ये चल रहा है, गाँव में आजकल ये बातें हो रही हैं। दिन की शुरुआत हो रही है अभी सुबह तक, रात को बारिश आई, सुबह तक पूरा मौसम खराब था, यानी कि पूरा जो हमारा चौक है वो गीला हो रखा था। अभी धूप लगी है बिल्कुल गुनगुनी सी। दोस्तों ऊपर पे भाई लोग आ रखे हैं, मतलब भैया आ रखे हैं देहरादून से, और हमारी कागजी हो रखी है, वो हमेशा गिरती है, तो कुछ कागजी निकालते हैं और भेजी को देने चलते हैं। चलो यहाँ आज भी पक्का कागजी गिरी होगी, देखो दो गिरी हैं आज भी। ज़्यादा देर तक अगर ये यहीं पे रहे तो सड़ने भी लगती हैं, देखो दो कागजी। और एक और निकाल देते हैं भाई को देने के लिए, ये देखो तीन कागजी।
इन कागजी को देखने के बाद मेरा भी मन कर रहा है दिन में हम शरबत बनाएं, बिल्कुल जबरदस्त सुर्खी है। तो एक काम करते हैं, दिन में हम भी शरबत बनाएंगे, मतलब जलजीरा बनाएंगे, ट्राई करेंगे मतलब। तो अभी चलते हैं। भेजी अपने मकान का काम कर रहे हैं, वो तो लगे हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, घर की तरफ चलता हूँ। दोस्तों ये बना रहा हूँ मैं जूस, इसमें पुदीना डाल दिया मैंने और ये गया नींबू। मैंने एक बारी पहले ही बनाया था, बहुत टेस्टी होता है। पहले कागजी निचोड़ देते हैं बढ़िया सी और फिर बातें करते हैं हम। दोस्तों ये बन गया है जूस, बना दिया मैंने शरबत। यार ट्राई तो करना पड़ता है, मैं खा रहा हूँ पुदीना, और पुदीने की वजह से, पुदीना स्वास्थ्य के लिए होता है बढ़िया। अब टेस्ट करते हैं इसको। आहा वाह भाई, स्वाद आ गया, मजा आ रहा है इसको पीने में। मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ा चीनी और कागजी और पानी और पुदीना, इन सबको मिला के बना रखा है, लेकिन मज़ा आ गया इसको पीने में। हमें तो मज़ा आ गया पी के। अब मैं बना रहा हूँ भाई लोगों को, जिनको कागजी देने गया था, सोचा उनके लिए भी थोड़ा शरबत बनाते हैं, वो घर पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा जूस बनाते हैं, उनको भी देते हैं। हमारे कागजी लगी हैं तो वो लोग तो बनाएंगे नहीं, तो हम ही बना के भेज देते हैं। भेजी भी हमारी वीडियो देखते रहते हैं, तो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो एक काम करते हैं अभी नींबू पानी बनाते हैं। ये कागजी है और इसके बीज मैंने अलग कर दिए, ये हमारे बोने के काम आएंगे, इनको साइड पे रखते हैं, अब इनकी भी बुआई करेंगे हम। अब बनाते हैं जूस। चीनी डाल दी मैंने, पुदीना डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया और अब ये गई कागजी। और दूसरी कागजी भी डाल ही देते हैं, जो मज़ा आ जाए पी के। तो मैं यहाँ पे बैठा था और ये देखो यहाँ पे बिल्ली, ये कुत्ता आ गया और मेरे को बोल रहा गोदी में रख के, है डबू डबू डबू। देखो अब इसको ऐसे कौन रखेगा। खैर चलो, मैं धूप से बचने के लिए पीछे चुनी डाली है। वो बोतल ले गया, ले लाडबू सावास लाडबू ला ला सावास डबू, जा इसको लेके आ, जा लेके आ। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, एक कल एक लकड़ी टूटी हुई थी तो वो मैंने यहाँ पे रख दी थी लकड़ी, तो अभी क्या करेंगे उसको घर ले जाएंगे, किसी काम तो आएगी लकड़ी। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की, लेकिन मार्केट की मैं थोड़ा कम बनाता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए अपने घर की या लाइफ स्टाइल की जो हमारा होता है, तो मार्केट या फिर दोस्त जो मेरी डेली लाइफ स्टाइल है उसको मैं थोड़ा कम करता हूँ। तो अभी इनको घर पे ले जाते हैं और फिर चाय पीते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे तक रखते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी है या फिर कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।